तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे तो समझते हैं। तो बोला गया है कि रेडियन माप के संगत डिग्री माप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेडियन को आपको डिग्री माप में निकालना है। कैसे निकालेंगे तो हमने फार्मूला बताया था ना कि जब डिग्री माप में निकालना हो तो रेडियन मेजरमेंट यहाँ पे क्या करते हैं, 180 बटा पाई से हम यही सूत्र हम क्या करेंगे, प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। दिया है, क्या दिया है, ये आपका रेडियन में दिया है कितना, 11/16। ठीक है, तो इसलिए मेरे को निकालना है डिग्री मेजरमेंट। तो क्या करेंगे, रेडियन मेजरमेंट गुणे 180 बटा पाई। तो रेडियन मेजरमेंट कितना है, 11/16। 180 या पाई का मान 22/7 भर देंगे। देखिए वहां पे बोला है पाई का मान आप भर सकते हैं, तो 11/16 यहाँ पे 7 ऊपर चल जाएगा, तो 180 × 7/22। अब इसी को प्रयोग करना है, काट कूट करना पड़ेगा, 11 × 22 हो गया। ठीक है, अब इसको फिर काटेंगे, इसको 4 से काट लेंगे। ठीक है, तो 4 × 16, 4 × 16 और 4 × 20। ठीक है, अब कट गया इतना, अब तो कटेगा नहीं। अब देखिए 7 से 5 45 कटेंगे, 7 × 5 35 के 5, फिर 7 × 28 3 31, फिर 7 × 4 9 8, इतना आ रहा है, 315 आ रहा है। अब इसको हमें भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, भाग देंगे कहीं 8 में 8 से 315 में भाग देके आपको बताते हैं, तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, बच जाएगा कितना हो 7, फिर 5 आ जाएगा, 8 × 9 = 72 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो 39 आ रहा है, तो 39 डिग्री हो गया। ठीक है, 39 डिग्री और 3 बच रहा है शेष, तो 3 ऊपर चल जाएगा और भाग, ठीक है ना, जैसे लिखते हैं ना कि ये भागफल ये लिखा गया, फिर ये शेष ऊपर रहता है, ये भाग जो दिया था वो नीचे रह जाता है, तो ये डिग्री में आ गया। अब इसको क्या थी निकालना है, इसको आप यहाँ पे चाहेंगे तो प्लस लगा सकते हैं, तो 3/8 कर दीजिए। ठीक है, फिर इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा, तो फिर इसमें 60 से गुना कर दीजिएगा ना, तो ये मिनट में आ जाएगा। ठीक है, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, तो 8 × 4 = 8 15 × 60। ठीक है, तो इसके आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे 39 डिग्री आ रहा है, 15 × 3 = 45/2 हो गया। अब इसको भाग लगाएंगे आप, तो 39 डिग्री + 45 के आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 × 44 1/45 होता है ना, यानी 1/2 हो रहा है, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इसको मिनट में बदल देते हैं, तो 1/2 आ रहा था ना, अब उसमें हम 60 से फिर गुणा कर देंगे तो सेकेंड में आ जाएगा, तो इसको काटिए कितना हो जाएगा, 30 बार में, यानी 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको समझ में आया होगा, फिर से एक बार फोकस कर देते हैं, इसको लिख दिया और यहाँ पे पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चल गया, काट कूट किया तो ये गुना करके 45 में 7 से इतना आया, 4 × 8 इतना, भाग लगाया तो भाग देने पर देखो ये भागफल लिखते हैं और शेष ऊपर चल जाता है और 8 नीचे प्लस डाल सकते हैं, तो यहाँ पे फिर 60 से जब गुना करेंगे ना, ये डिग्री था तो ये मिनट में बदल जाएगा, तो कितना आ गया, गुना करके 45/2, फिर भाग लगाएंगे तो 22 × 1/2 आएगा, तो 22 को अलग कर दिया कि मिनट में आ गया, और 1/2 को फिर 60 से कर देंगे तो बटा हट जाएगा, यानी 30 बार में कट रहा है तो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, यानी 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ये इसका आंसर हो गया, इसको प्लस को हटा के ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 का 1 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया, इतना ही आपका आंसर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है, इसको हटाइए, आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये सूत्र है इसी से बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 -4 है, -4 तो आपका रेडियन मेजरमेंट -4, इसलिए डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, सूत्र
रेडियन मेजरमेंट गुने 180 बटे पाई, तो माइनस 4 गुने 180, अब पाई के मान 22 बटा 7 घुमाएंगे ना, तो 7 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, काट कूट करेंगे अब, देखिए कैसे काटते हैं। तो इसका आधा 11 हो गया, इसका आधा कितना हो जाएगा 90, 90 तो 180 होता है, अब तो नहीं कट रहा है। इस सब तीनों का गुना करिए, नीचे 11 रखिए तो 9 का 36 आ गया, 360, और फिर उन्हें 7 से कीजिए 0 7 6 42, 70 21 4 25, 25 20 आ रहा है बट्टा 11 माइनस आ रहा है। ठीक है, इतना डिग्री आ रहा है। अब इसको भाग दो, कहीं भाग दो, यहाँ पे देखो 11 से भाग दो 25 20 में, तो 11 गुना कितना हो गया 22, बच गया तुम्हारा 3। ठीक है, अब फिर यहाँ से 2 उतारोगे, 11 गुना 22, 11 गुना कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वहां से 1 सोना उतार लो, 100, 11 9 99 आ जाएगा। फिर क्या, 1 शेष बच गया ना, कितना आ रहा है माइनस 2 2, कितना आ रहा है माइनस 229 डिग्री आ गया। फिर 1 बच रहा है तो प्लस डाल देते हैं 1, अब बट्टा में कितना 11 और गुना कितना 60 से कर देंगे, तो ये काफी बच, 1/11 बच रहा था, 60 से गुना करेंगे तो काफी बच जाएगा, मीनस में आ जाएगा, तो आपका वही आ गया 229 डिग्री प्लस। इसको भाग लगाओ, इसको करोगे तो 60/11 आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग लगाओगे, तो भाग लगाओगे तो कितना आएगा, इसको आगे बढ़ाता हूँ, मिटा देता हूँ, तो माइनस 229 डिग्री प्लस 11 से भाग देंगे तो 11 55 आ जाएगा, है ना, 60 में देंगे 11 से 11 55, शेष बचेगा 5, तो कितना बार में कट गया 5 बार में, तो 5 मिनट हो गया, प्लस 5 बच रहा है शेष और बट्टा कितना 11, फिर इन्हें 60 से कर लेंगे तो क्या थी बदल जाएगा सेकेंड में, तो आगे बढ़िए 229 डिग्री प्लस 5 मिनट। अब इसको काटिएगा ना, तो 6 5 30 300/11 आएगा, तो 229 डिग्री 5 मिनट। अब इसको भाग दीजिए 11 से 300 में, तो 11 गुना 22 880 हो गया, 11 7 77 3 हो गया 30 14 28, क्या फिर 30 फिर 11 का, यानी इतना आ रहा है 27 पॉइंट, कितना आ रहा है 27.4 कुछ डिग्री आ रहा है ना, इसको पॉइंट हटा दिया जाता है, लगभग मैं इसको 27 ही कर सकते हो। ठीक है ना, यानी लगभग मैं इसको कितना बोल सकते हैं माइनस 229 डिग्री 5 मिनट। ठीक है ना, इसको हटा दीजिए प्लस, और इसका कितना 27 डिग्री सेकेंड। ठीक है, इतना आ रहा है माइनस 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। ठीक है, लगभग में 27, ये देखिए 4 से ज्यादा होता, 5 से 7 यहाँ पे अगर होता तो इसमें एक बढ़ जाता, 28 कर देते। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब 3 देखते हैं, 3 4 तो बहुत ईजी है, पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 ही थोड़ा सा हल्का सा टॉप लेवल का था, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ऐसे ही सवाल को करना है। ठीक है, तो देखो तीसरा नंबर सवाल कैसे बनाओगे, दिया है, क्या दिया है, रेडियन मेजरमेंट कितना है पाई बटे 5, पाई बटे 3 है ना, तो क्या निकालना है, डिग्री मेजरमेंट निकालना है, तो रेडियन मेजरमेंट गुने 180 बटा पाई। ठीक है, कितना हो गया 5 पाई बटे 3 है, यहाँ पे आप 180 बटे पाई रखेंगे, पाई से पाई कट गया, 3 से काटे 6 बार में 36 18 60, अब कितना आ गया 5 गुने 60 आया है, 5 गुने 60 6 5 30, यानी 300, ये 300 कितना आ गया 300 डिग्री आ गया। ठीक है ना, कितना आंसर आया, तो 300 डिग्री आया इसका राइट आंसर। ठीक है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको हटाते हैं, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, रेडियन मेजरमेंट कितना दिया है 7 पाई बटे 6, इसलिए निकालना है आपको डिग्री मेजरमेंट, तो रेडियन मेजरमेंट गुने 180 बटे पाई, तो 7 पाई बटे 6 गुने 180 बटे पाई,
पाई से पाई कट गया, 6 से कट गया 3, 30 बार में 7 गुने 30 हुआ, तो 7 × 21 210 डिग्री का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कितना मैं अच्छी तरह से इसी तरीके से बता रहा हूँ। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहें और दोस्तों में भी शेयर कीजिए।